नमस्कार दोस्तों, दीप जॉब अलर्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा निकाली गई 3951 वैकेंसी, जिसकी क्वालिफिकेशन 10th पास रहेगी। अप्लाई करने प्रोसीजर ऑनलाइन रहेगा। इसकी पूर्ण डिटेल देने से पहले एक बार चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपके लिए ले गया हूँ इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक विभाग द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है वो भारत ग्रामीण डाक सेवक की। रिक्वायरमेंट 2020 रहेगी। जो सर्कल रहेगा उत्तर प्रदेश सर्कल में जो ये वैकेंसी निकाली गई है। रजिस्ट्रेशन बिगिन रहेगा 23/3/2020 से। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी 22/4/2020 और फॉर्म की स्टार्ट डेट रहेगी 23/3/2020। फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 22/4/2020। जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी है इसकी एग्जाम फीस रहेगी जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू के लिए 100 रुपीज रहेगी, यानी कि 100 रुपये। एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए कोई फीस नहीं है, यानी कि फीस की छूट दी गई है। पोस्ट नेम रहे ग्रामीण डाक सेवक, जिसकी एज लिमिट रहेगी 18 से 40 ईयर तक। जो एजिलिटी है यानी कि योग्यता होगी तो 10th क्लास पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए और साथ में आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके वहाँ की लोकल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो स्टेट है उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी है। जनरल के लिए 1814 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 1000 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 314 है। एससी के लिए 750, एसटी के लिए 1100 वो 1100 सॉरी 11 वैकेंसी। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 62 और टोटल वैकेंसी है 3951 यानी 3951। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसको अप्लाई करने से पहले एक बार आप इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ ले। जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो ओनली 10th क्लास में जो मेरिट है उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। इसको अप्लाई करने के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, जहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।